रोशनी अंधेरे को चीर देती है, रोशनी अंधेरे को चीर देती है, सुंदरता आँखों को चीर देती है। रोशनी अंधेरे को चीर देती है, सुंदरता आँखों को चीर देती है। और भाग्य का दूसरा नाम दुर्बलता है, भाग्य का दूसरा नाम दुर्बलता है, केवल कर्म और कर्म ही तकदीर देती है। रोशनी अंधेरे को चीर देती है, सुंदरता आँखों को चीर देती है, भाग्य का दूसरा नाम दुर्बलता है, केवल कर्म और कर्म ही तकदीर देती है। और इसके साथ ही मैं आमंत्रित करता हूँ प्रमुख माता जी को, प्राचीन है और उनसे मैं आग्रह करता हूँ वे अपनी कविता प्रस्तुत करें। मैं कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, कविता का शीर्षक है आदमी। संसार में तो आदमी ही भरे पड़े हैं, लेकिन फिर आदमी कविता लिखने का तात्पर्य क्या है? एक दार्शनिक थे जो सूर्य जब उदय हुआ उन्होंने जो है लालटेन जलाई और सड़क पर चलने लगे। लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हैं आप? अरे सुबह हो गई आपको पता नहीं? कहा कि मुझे पता तो है, तुम लोगों को पता नहीं है। मैं कुछ खोज रहा हूँ। आप क्या खोज रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? बोला मैं आदमी ढूंढ रहा हूँ। आदमी ढूंढ रहे हैं, इतने आदमी हैं आपको दिखाई नहीं पड़ता? बोला नहीं, इसमें कोई भी आदमी नहीं है। तो लेकिन मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आदमी पर ही कविता बना लेता हूँ, तो सुनिए कविता आदमी। आज इस दुनिया में कैसा हो गया है आदमी, आज इस दुनिया में कैसा हो गया है आदमी, आदमी की भीड़ में ही हो गया है आदमी। क्या बात! आज इस दुनिया में कैसा हो गया है आदमी, आदमी की भीड़ में ही हो गया है आदमी। आदमी के जाल में ही फंस रहा है आदमी, जाल फैलाता है एक आदमी दूसरे के लिए और उसको क्या करता है, कहीं कहीं जो है फंसा देता है। आदमी के जाल में ही फंस गया है आदमी और आदमी के गाल में ही धस रहा है आदमी। आदमी का मोल ही देता नहीं है आदमी, आदमी का मोल ही देता नहीं है आदमी, और आदमी की भीड़ में ही हो गया है आदमी। गांव देश समाज को भूला हुआ है आदमी, जब अधिक पढ़ लिख लेता है तो गांव छोड़ के जो है नगर में शहर में जाके बस जाता है और गांव समाज को वो बिल्कुल ही भूल जाता है। गांव देश समाज को भूला हुआ है आदमी, अनिज स्वार्थ के झूले पर झूला हुआ है आदमी। हर आदमी अपना स्वार्थ देखता है, दूसरे से उसको कोई जरूरत नहीं होती। अभी देखिए देश में क्या माहौल है, चारों दिशा में गूंजता है, हर दिशा में गूंजता है क्षेत्रवादी आदमी। सब अपने अपने क्षेत्र की बात करता है, देश की बात बहुत कम लोग ही करते हैं। चारों दिशा में गूंजता है क्षेत्रवादी आदमी, कुछ बचे ही दिखते हैं राष्ट्रवादी आदमी। है न कोई पथ प्रदर्शक, है न कोई पथ प्रदर्शक, आदमी का आदमी आदमी के भीड़ में ही हो गया है। और अभी क्या होता है, केवल अधिकार की लोग बात करते हैं, कर्तव्य की बात नहीं करते। कर्तव्य उनका क्या है इसके बारे में सोचते नहीं है, अधिकार अधिक से अधिक पाने की चेष्टा करते हैं। अधिकार की कुर्सी के खातिर लड़ रहा है आदमी, अधिकार की कुर्सी के खातिर लड़ रहा है आदमी,
अपनी स्वार्थ की पूर्ति के खातिर लड़ रहा है। आज कैसा हो गया है अजनबी सा, आज कैसा अजनबी सा हो गया है आदमी, साह नादी गजनबी सा हो गया है आदमी। मारकाट करना, कत्लेआम करना, गोली मार देना, ये कर देना, ये तो आम बात हो गई है। आज कैसा अजनबी सा हो गया है आदमी, साह नादी गजनबी सा हो गया है। छवि आदमी को देखकर, छवि आदमी को देखकर सहमा हुआ है आदमी, छवि आदमी को देखकर सहमा हुआ है आदमी, आदमी की भीड़ में ही खो गया है। पूर्ण जंगली सभ्यता, पूर्ण जंगली सभ्यता अपना रहा है आदमी, आदमीयत को यहाँ दफना रहा है। पूर्ण जंगली सभ्यता अपना रहा है आदमी, आदमीयत को यहाँ दफना रहा है आदमी। और देखिए अभी क्या क्या हो रहा है, अपहरण चोरी ठगी, अपहरण चोरी ठगी सपना रहा है आदमी, अपहरण चोरी ठगी सपना रहा है आदमी। और तस्करी व्यभिचार हत्या, तस्करी व्यभिचार हत्या अपना रहा है। भेड़ बकरी सा समझता, भेड़ बकरी सा समझता आदमी को आदमी, भेड़ बकरी सा समझता आदमी को आदमी, आदमी की भीड़ में ही हो गया है आदमी, की भीड़ में ही हो गया है आदमी, आदमी की भीड़ में ही हो गया है। मझधार, मझधार का मतलब होता है बीच में। तो पति पत्नी में सुसंबंध होती है और पति जो है गुस्से में आ जाता है और वह घर छोड़ कर करके चला जाना चाहता है। उसी पर जो मेरी कविता है, देखिए कैसी बनी है, स्वाद तो आप लोग ही लेंगे, मैं तो बनाने वाला हूँ। छोड़ मुझे मझधार बाघ, छोड़ मुझे मझधार, छोड़ मुझे मझधार बाघ, छोड़ मुझे मझधार। वो छोड़ करके जो है जाना चाहता है, पत्नी क्या कहती है, रो रो कर मैं विकल मरूंगी, रो रो कर मैं विकल मरूंगी, ज्वाला से श्रृंगार करूंगी, ज्वाला से श्रृंगार करूंगी, छोड़ सभी सुख सार बालम, छोड़ सभी सुख सार बालम, छोड़ मुझे मझधार, छोड़ मुझे मझधार बालम, छोड़ मुझे मझधार। आप चले ही जाइएगा तो मेरे लिए क्या सुख रहेगा, मैं तो सब कुछ छोड़ दूँगा। तो जो है वो प्रार्थना करती है, हाथ जोड़ती है, मत जाओ तुम जीवन संगी, मत जाओ तुम जीवन संगी, और यहाँ तक कह देती है कि आप चले जाओगे तो फिर नहीं पाओ ये तुम आकर, फिर नहीं पाओ ये तुम आकर। इसका संकेत है कि आप जब चली जाइएगा, आप जब चले जाइएगा तो मैं भी अपना प्राण त्याग दूंगा। पछताओगे जब आओगे, पछताओगे जब आओगे, इसलिए मैं बार बार प्रार्थना करती हूँ कि तजोन घर और द्वार बालम, तजोन घर और द्वार बालम, छोड़ मुझे मझधार बालम, छोड़ मुझे मझधार। क्या बात है, आप हमसे रूठ गए हैं क्या,
रूठे हो क्यों साजन मेरे, रूठे हो क्यों साजन मेरे। आज तक तो कभी आपके मन में वैराग्य की भावना नहीं थी, आज अचानक ये भावना कहाँ से आ गई। रूठे हो क्यों साजन मेरे, ओ बैरागी भाग रहे क्यों, ओ बैरागी भाग रहे क्यों। आपने तो कसम खाई थी जिन्हें मन में, लेकिन आज क्या उसको भूल गए। कसम नहीं क्या याद तुम्हें है, कसम नहीं क्या याद तुम्हें है। अरे घर ही नहीं छोड़ रहे हो, छोड़ रहे संसार बालम, छोड़ रहे संसार बालम। छोड़ मुझे मझधार बालम, छोड़ मुझे प्रेम की नैया डोल रही है। हम लोग का जो प्रेम था वो नाव जो है डगमगाने लगी है। प्रेम की नैया डोल रही है, हरी जवानी बोल रही है। प्रेम की नैया डोल रही है, हरी जवानी बोल रही है। आशा पूर्ण हुई क्या तेरी, आशा पूर्ण हुई क्या तेरी। करती करुण पुकार बालम, करती करुण पुकार बालम। छोड़ मुझे मझधार, छोड़ मुझे मझधार बालम, छोड़ मुझे मझधार। नारी को सभी अबला ही कहते हैं, वो भी अपने को अबला ही कह रही है। अबला हूँ नारी मैं भोली, अबला हूँ नारी मैं भोली, भाई जवानी बनी दीवानी, भरी जवानी बनी दीवानी। कैसे नाथ संभालूंगी मैं, कैसे नाथ संभालूंगी मैं। तीखी नजर कटार बालम, कैसे नाथ संभालूंगी मैं। तीखी नजर कटार बालम, छोड़ मुझे मझधार, छोड़ मुझे मझधार बालम, छोड़ मुझे मझधार। आप जब चले जाइएगा तो मैं अकेली हो जाऊंगी, तो लोगों की नजरें जो है मुझ पर कटार की तरह पड़ेगी। जो ही दूर हुए तुम मुझसे, जो ही दूर हुए तुम मुझसे, चाहत सब सज कर आएंगे, चाहत सब सज कर आएंगे। लुट जाऊंगी सदा सदा को, लुट जाऊंगी सदा सदा को। अंतिम बार प्रार्थना कर रही हो, पैर पकड़ रही हो, हाथ जोड़ रही हो। लाज रखो करतार बालम, लाज रखो करतार बालम, छोड़ मुझे मझधार, छोड़ मुझे मझधार बालम, छोड़ मुझे मझधार। और अंतिम दौ जो है अंतिम पासा वो फेंक रही है। बार बार मैं रोक रही हूँ, बार बार मैं रोक रही हूँ। कुछ भी हो जाए अगर आप सरेंडर कर जाइए तो आदमी मान लेता है। बार बार मैं रोक रही हूँ, चरण पकड़ कर छेक रही हूँ, चरण पकड़ कर छेक रही हूँ। साजन मेरे प्रियतम मेरे, साजन मेरे प्रियतम मेरे, मत जाओ छवि पार बालम,
वाली बात है, छोड़ा मुझे मेरा नाम भी है और कहती है वो कि सुंदरता के पार मत जाइए, मैं क्या कम सुंदरी हूँ जो आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, मत जाओ छवि पार छोड़ मुझे मझधार बालू छोड़ मुझे मझधार छोड़ मुझे मझधार।